ये देखिए अभी प्रसाद लेते हुए मोहित, उसके बाद सीधा चलते हैं ऊपर मंदिर। ये देखिए कितनी ऊंचाई पे बना हुआ है मंदिर, काफ़ी ऊंचाई पर है। और जी ये देखिएगा चढ़ाई, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, हालांकि वैसे जिन्ना बना हुआ है लेकिन चढ़ाई बहुत ज़्यादा। उधर देखिएगा अभी पेड़ों की वजह से नीचे का नज़ारा नहीं दिख रहा, और भाई बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। अरे बाबा थक गए दोस्तों। ये देखो जी, और यहाँ से आए नीचे से, तो काफ़ी ऊंचाई पे मंदिर है ये। तो भगवान शिव के इस मंदिर में जाने के लिए कम से कम हमें 100 सीढ़ी चल के जाना पड़ेगा ऊपर तक, तो ये 100 सीढ़ी पार करनी पड़ती है तब जाके महादेव के उस मंदिर में पहुंचते हैं जहाँ पर भगवान शिव ने जो है तपस्या की थी। तो आप लोग बने रहेगा दोस्तों, हम वहीं आज आपको वो मंदिर में दिखाने वाला हूँ। तो जी यहाँ पर जो है जूते चप्पल उतारते हैं यहाँ काट के, उसके बाद सीधे मंदिर में प्रवेश कर जाएंगे हम लोग। तो जी जूते निकालने के बाद सीधे चल लिए हैं हम, जय हो बाबा की। ये देखेगा यहाँ का नज़ारा ऊपर से, कई मंदिर बने हुए हैं यहाँ पर। और अभी फ़िलहाल हम आ चुके हैं इस टाइम मंदिर परिसर में ही ऊपर। तो जी ये है दोस्तों मुक्तेश्वरी महादेवी शक्तिपीठ, और इधर जो है पूजा पाठ चल रही है। ये वो जगह है जहाँ पर भगवान शिव जो तपस्या क्या करते थे, यही वह मंदिर बना हुआ है। बिल्कुल एकदम 7500 फीट की ऊंचाई पर ये मंदिर है समुद्र तल से, और ये बिल्कुल बिल्कुल जो वो चोटी मैं दिखा रहा था मेरी पिछली वीडियो में आपने देखी होगी, उस चोटी के ऊपर ही ये मंदिर बना हुआ है बिल्कुल एकदम, ये देखेगा। तो दोस्तों अब जो है हमने भगवान शिव के दर्शन करने के बाद में अब सीधे निकल रहे हैं हम अपने होटल में, और होटल से सीधा अब चेकआउट हो गए, फिर निकलेंगे सीधा नैनीताल के लिए। तो आप लोग बने रहेगा, रास्ते में भी बहुत अच्छे अच्छे व्यू आने वाले हैं, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, और वहाँ पर जाकर फिर नैनीताल। दोस्तों हमारे होटल में ये यामा खड़ी है, और इस यामा का नंबर ये देखिए आप, UP 02, मतलब ये जब उत्तराखंड यूपी से अलग नहीं हुआ तब की ये यामा है। तो भाई ने आज भी जो है यूपी का ही नंबर डाला हुआ है इस पर, ये देखो UP 02। तो दोस्तों अभी जो है फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं भैया हम नैनीताल के लिए, और अभी जो है हम बस अपना होटल चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से, और उसके बाद सीधा आपको लेके चल रहा हूँ बिल्कुल एकदम नैनीताल, और नैनीताल की वादियाँ दिखाएंगे आपको बहुत अच्छे से। तो आप लोग बने रहिएगा हमारी वीडियो पर। और जो इधर अपने भाई लोग निकल लिए हैं बिल्कुल अपने बैग वैग टांग के, तो जी अभी यहाँ से हम अपना आधार कार्ड लेंगे, हमने इनके पास दिया हुआ है, अभी भैया गए हैं लेने अंदर हमारा आधार कार्ड, उसके बाद निकल रहे हैं फिर यहाँ से। तो जी अभी अमित भाई ने जो अपनी गाड़ी ब्लू क्लीन कर दी, इस पर जितना बर्फ़ जमा हुआ था सारा हटा दिया है, अभी लगे हुए अपने भाई बिल्कुल मेहनत से। और इधर हमने लिया है एक गुड़बट्टा, ये देखेगा ये है गुड़बट्टा यहाँ का प्रसिद्ध, और अभी इसको खाते हैं। ओह आनंद आनंद, क्या भाई एक नंबर का। तो जी अब जो है हम मुक्तेश्वर से निकल चुके हैं इस टाइम सीधे नैनीताल के लिए, और अभी यहाँ से तकरीबन मुझे लग रहा है 1 घंटा तो कम से कम लगेगा। और अभी अपने इधर मोहित नरेंद्र और अमित भाई, तो अमित भाई कितना समय लग जाएगा लगभग आपके हिसाब से? ये तो मैंने बताया था कि 1 घंटा 1.5 घंटा। देखो जी बावली तक के लिए लगभग 1.5 घंटा मान के चलो, और लगभग 1.25 घंटा आगे तक का अगर हम नहीं रुकते हैं तो, और रुकते हैं तो फिर तो 2 दिन भी कम है फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी आप लोग बने रहिएगा, जैसे भी हम रास्ता दिखाते रहेंगे आप लोगों को। और नैनीताल में ऐसी ऐसी जगह है, हालांकि मुझे नहीं पता कैसी है, लेकिन अमित भाई बताएंगे जो भी हम दिखाएंगे तो वो मैं आपको दिखाएंगे, ठीक है जी? तो आप लोग बने रहिएगा। तो दोस्तों सुबह सुबह आप देखिएगा बिल्कुल सुनसान पड़ा रास्ता एकदम, ये जो हम निकले हैं यहाँ से मुक्तेश्वर से नैनीताल के लिए, और ये देखिएगा आप, और यहाँ के जो पेड़ हैं इधर मैं आपको साइड में दिखा दूँ, ये देखिएगा कितने घने हरियाले पेड़ हैं एकदम, ये देवदार के पेड़ हैं, काफी संख्या में ये देवदार वाले पेड़ ही आप लोगों को जो है इधर मिलेंगे। अभी यहाँ से भी जो हमें ये हिमालय की रेंज चमकी थी, अभी हमने गाड़ी रोक दी है, तो मगर भाई पहले यहाँ से दिखाओ, यहाँ से थोड़ा क्लियर और चमक रहा है। अभी मैं आपको थोड़ा सा जूम करके अगर दिखा दूँ हिमालय की रेंज को, तो ये देखिएगा कितनी क्लियर चमक रहा बिल्कुल एकदम, क्या बात है। क्योंकि सूर्य के किरणें जैसी इन पर पड़ती जा रही हैं, ऐसे ऐसे ही इनकी चौड़ाई हमें ज़्यादा दिखती जा रही है। ये देखो और भी क्लियर देखो आप लोग, ये देखो जी ये है हिमालय की रेंज,
क्या बात है दोस्तों, कितना प्यारा व्यू आ रहा है इस टाइम पहाड़ों का, आप लोग देख सकते हो और आप गाड़ी के अंदर से देख लेगा। ये देखो जी, ओ वाह क्या नज़ारा है। और जूम कर देते हैं आपके लिए, ये देखो जी, ये है आपकी हिमालय की रेंज। क्या बात है। तो जी हिमालय की रेंज देखने के बाद में फिर हमारा काफिला आगे के लिए निकल चुका है इस टाइम। और पहाड़ों में दोस्तों इतना वाकई इतना सुकून मिल रहा है, इतना सुकून मिल रहा है, मैं बता नहीं सकता आपको क्या चल रहा मेरे मन में। इतना अच्छा मज़ा आ रहा है वास्तव में पहाड़ों में इस टाइम, बहुत बिकट। तो कभी भी आप लोग आइएगा दोस्तों, बहुत अच्छी जगह है पहाड़ों पर आप घूमने का, ये देखने का, नेचर देखने का एक मौका मिलता है, तो इस मौके को कभी ना गवाएं। आ चुके हैं इस टाइम भवानी में, अभी थोड़ा सा यहाँ पर रुकते हैं, थोड़ा चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया है, तो अभी थोड़ा रेस्ट लेते हैं। रेस्ट लेने के बाद में फिर निकलेंगे सीधा नैनीताल के लिए। इस टाइम हम भवानी से निकल चुके हैं भैया सीधा नैनीताल के लिए, और ये देखिएगा आप रास्ता, ये जो सीधा रास्ता है अब आपको जाएगा सीधा नैनीताल। तो यहाँ से जो है नैनीताल दिल्ली हल्द्वानी 9 किलोमीटर की दूरी पर नैनीताल है। नैनीताल के लिए रास्ता निकल गया, दिल्ली के लिए वो चला गया। नैनीताल के लिए ऐसे जाएंगे और दिल्ली के लिए ऐसे, तो ये दो रास्ते फटे हुए हैं यहाँ से। तो दोस्तों ये देखिए आप कितने पर्यटक हैं यहाँ पर, जो अभी यहाँ पे साइड में गाड़ी लगा लगा के पहाड़ियों की फोटो खींच रहे हैं इधर। और अधिकतर गाड़ियाँ मैं सभी देख रहा हूँ नज़र, सब यूपी वालों की है अधिकतर। तो आप देख सकते हो जो सामने आप देख रहे लोग देख पा रहे हो, तो ये रहा, ये नैनीताल है, हमें यहाँ जाना है। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं इस टाइम नैनीताल में, और ये देखेगा नैनीताल की वादियाँ, क्या बात है दोस्तों, कितना प्यारा व्यू आ रहा है इस टाइम और बहुत ही अच्छा मन लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो जो है हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो को तो हम यही ख़त्म करेंगे। बाकी जो मेरी अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैंने नैनीताल का पूरा व्यू दिखा हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, अगली मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में।